अस्पताल विच एक बार फिर सुर्खियां दे विच आया डॉक्टरां दी लापरवाही के कारण गर्भवती बच्ची की पेट दे विच हुई मौत। पठानकोट का सिविल हस्पताल अक्सर सुर्खियां दे विच रहिंदा है। सिविल हस्पताल दे विच जनपियां दे लई आई औरतां दा सही इलाज ना होने के कारण औरतों के लेबर रूम के फर्श से ही बच्चों नूं जन्म दिता। इस विच काफ़ी हंगामा होया पर कार्रवाई के नाम उत्ते भोजन सप्लाई की गई। जेकर पिछले दिन की गल की जाए तो बीते दिन हिमाचल के एक गर्भवती औरत अपनी डिलीवरी के लिए पठानकोट के सिविल हस्पताल पहुंची, जिते डॉक्टर ने उन्होंने दसिया कि सब ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी शाम तक। उसकी डिलीवरी का समा आया तो हस्पताल के डॉक्टर ने औरत की डिलीवरी करन तो इनकार कर दिता। इस तो बाद रिश्तेदार ने औरत को एक निजी हस्पताल दाखिल करवाया, जिते औरतों की डिलीवरी तो हुई पर बच्ची मृतक पैदा हुई। सिविल हस्पताल प्रशासन से अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। मेरा नाम निर्मल सिंह है, मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ते फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ की डिलीवरी डेट थी 18th को। जब हम 18th को इनके पास आए तो इन्होंने हमें कहा कि आप 20 को सुबह 9-10 बजे के आसपास आ जाइएगा, ठीक है। 18 को इन्होंने हमारी फाइल बनाई, वो अपने पास इन्होंने डिपॉजिट कर दिया, अपने पास रख ली, फाइल हमें नहीं दी। जब कल हम 20 तारीख को इनके पास आए, सुबह 9-10 बजे पहुँच गए, तो इन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, पेशेंट को जो अंदर ले गए, इन्होंने मेडिसिन वगैरह दी कुछ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें कुछ नहीं, रात को हमें 1:30-2 बजे के पहले शाम को हमें कहते रहे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। 1:30 बजे जब इनको पता लगा कि बच्चा बीच में ख़त्म हो चुका है, तब जे हमें कहते हैं कि आप इन्हें आगे पीछे कहीं पे भी ले जाइए। इन्होंने हमें रेफरल कार्ड दिया, जिस पर इन्होंने कुछ हमें नहीं बताया कि कौन से हॉस्पिटल में लेके जाए या कहाँ पर लेके जाए। या तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर आप लेके नहीं जाओगे तो हमें लिख के दे दो कि बच्चे और वाइफ को आपकी इधर कुछ भी हो जाए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कितने बजे की बात है? जो रात को 1:30 बजे की बात है जब इन्होंने हमें कहा कि आप ले जाइए इधर से। आप ऐसा मुताल को मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो मेरे भाई बच्चे का खून किया है इन्होंने, जब अगर इनके बस की बात नहीं, इनके पास डॉक्टर्स नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए। जब मुझे हम सुबह 9-10 बजे के आ रखे थे, ये हमें शाम को 5-6 बजे तक बता देते, 8-9 बजे तक, 10 बजे तक बता देते, हम अपना कहीं पे और करवा लेते। इन्होंने रात को 1:30 बजे हमें कह रहे हैं कि आप इसको ले जाओ, अदरवाइज हमें लिख के दे दो कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉक्टर में ट्रीटमेंट कर रहा है उनका, लेकिन वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। वो अप्रोक्सीमेट सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उधर से एडमिट है और अभी तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है OT के अंदर। अगर उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल जो हॉस्पिटल है, जो ट्रीटमेंट्स कर रहे थे डॉक्टर्स और नर्सिस, जो उसके रिस्पॉन्सिबल्स हैं। लेके आए सुबह 9 बजे पहुंच गए यहाँ पे, इन्होंने बोला कि बस आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी। हमको 2-3 मिनट के बाद, हम पूछ रहे थे बार बार पूछ रहे थे इनको, बोल रहे कि ठीक है आप बच्चे के कपड़े लाओ और बच्चा ठीक ठाक है। जब रात के हम इंतज़ार करने बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, हम बार बार पूछ रहे थे, बार बार हमें यही जवाब आ रहा था। जब इनके बस से बाहर हुआ, बच्चे की हार्ट बीट इनके पेट में ख़त्म हो गया। जब हमने इनको पूछा कि जैसे कोई आपके बस की बात है, नहीं तो हम इसको आगे पीछे ले जाते, इन्होंने हमारे को कोई भी जवाब नहीं दिया। जब बच्चे की हार्ट बीट, बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, तो इन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे करो कि इसकी दर्दें ख़त्म हो गई हैं और ये दर्दें नहीं ले रही, आप आगे पीछे ले जाओ। हम रात के उस टाइम कहाँ ले जाते, हम क्या करते उस वक्त? हमारे पास तो कोई बस की बात नहीं थी, हमारे पास ऐसा कोई भी चारा नहीं था। हमने बेटी को उठाया और लड़की की इतनी बुरी हालत थी कि हम किसी को बता नहीं सकते, कोई भी हॉस्पिटल वाला उसको हाथ नहीं डाल रहा था। जब हम इनके बारे में बता रहे थे तो वो कोई भी हाथ नहीं डाल रहा था। फिर बस हो कि हमें 2-3 हॉस्पिटलों के बाद कुमार हॉस्पिटल मिशन में हमें एडमिट किया। जब बेटी, जब बेटा हुआ तो उन्होंने पहले बोला कि बच्चा तो ख़त्म हो चुका है पेट में। फिर भी हम कोशिश करते हैं, काफ़ी उनकी मदद कर, पैर मतलब के पकड़ पकड़ के हमने डॉक्टरों को बोला प्लीज़ हमारे बच्ची को तो बता लो, वो तो बच्चा तो ख़त्म हो गया हमारा बेटा, और बच्ची को, इस बच्ची को बचा लो। फिर हमने अपना खुद ही, हमारे फैमिली ने ब्लड दिया और उस बेटी को वो इस वक्त जूझ रही है, मतलब कि उसका नहीं पता कि वो बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमें मतलब के न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम, हमारे साथ हुआ, किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। आप कंप्लेन दे रहे हो रिटर्न में? बिल्कुल जी, हम गए हैं अंदर, उन्होंने बोला कि हमारे को बताओ और हम रिटर्न में दे दो, हम इस पे कार्रवाई। हम मांग ये करते हैं कि इतनी लापरवाही क्यों, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? इनके बस की बात नहीं तो हमें पहले बोल देते, क्या इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन की कोई भी सुविधा नहीं है? हम इनसे पूछना चाहते हैं, हमें ये बताया जाए कि क्या इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो सकता था? पेशेंट आया सीगा अपने जल्दी वास्ते,
कंसर्नड परिवार वालों सानू एक रिटन कंप्लेंट डॉक्टर के अगेंस्ट मिल गई हैगी है ते इहदी असीं जिहड़ा हैगा बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बिठा के इंक्वायरी करांगे ते जो भी दोषी होएगा उहदे खिलाफ सख्त